नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नोचार्ज चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, अगर आपके ईयरफोन्स हेडफोन्स ऑन नहीं हो रहे हैं, पावर ऑन नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि आपके हेडफोन्स ख़राब हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर इशू आ जाता है, सॉफ्टवेयर इसका जो है वो स्टक अप हो जाता है, जिसकी वजह से पावर ऑन नहीं होते हैं। हार्डवेयर इश्यूज काफ़ी रेयर केस में होता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम इसकी खींचतान करते हैं, कोई वाटर डैमेज होता है तो ही इसमें हार्डवेयर इशू आ सकता है। लेकिन नॉर्मल केसेस में इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर इशू ही हमें नज़र आता है। तो इस इशू को दूर करने के जो दो शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स मेरे पास है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे हेडफोन्स जो है, ईयरफोन्स जो है, वो फुल्ली चार्ज है, चार्जिंग केबल जो है इसका ये प्रॉपर होना चाहिए और अच्छी तरीके से काम करने वाला होना चाहिए, कहीं पर डैमेज नहीं होना चाहिए। इसके लाइट्स चार्जिंग पर लगाने के बाद ऑन हो रहे हैं या नहीं, या फिर जो लाइट्स के इंडिकेशंस थे पहले, रेड ब्लू या जो भी आपके इंडिकेशंस हो, जो नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहे थे उसके अनुसार नहीं है या उसके जैसे ही है, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद में कोई एबनॉर्मलिटी, जैसे कभी कभी होता है दोस्तों, प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, जो फंक्शन हम करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम जानते हैं कि पहले कौन सी ट्रिक हमें यूज़ करनी है और उसके बाद में सेकंड ट्रिक जो बताऊँगा, और दोनों के कॉम्बिनेशन से आप आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे काफ़ी खुशी होती है दोस्तों जब आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। आप कमेंट्स के माध्यम से जब बताते हो कि आपके प्रॉब्लम दूर हो गए हैं, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़ यहाँ पर लेकर आता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपके USB चार्जर को ऑन करना है, उसके जो USB केबल है उसको हेडफोन या ईयरफोन जो भी आपके पास में है उसमें प्लग इन कर देना है। चार्जर ऑन होना चाहिए दोस्तों। चार्जर ऑन कंडीशन में आपको आपकी केबल्स को यहाँ पर प्लग इन कर देना है। उसके तुरंत बाद आपको आपका वॉल्यूम डाउन और जो पावर बटन है, मल्टीफंक्शन बटन है, उसको एक साथ दबा कर रखना है। लगभग कुछ सेकंड्स के बाद आपके लाइट्स का इंडिकेशन चेंज हो जाएगा। अगर नहीं होता है चेंज, तो भी आप 5 से 10 सेकंड्स के बाद इसको नॉर्मली ऑन करके देखिए, ये ऑन हो जाएंगे। अगर नहीं होता है तो ये सेम कॉम्बिनेशन आप वॉल्यूम प्लस बटन के साथ में पावर बटन को प्रेस करके भी आप करके देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपके हेडफोन्स रिसेट हो जाएंगे और आपका जो टर्निंग ऑन का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। अब बारी आती है ट्रिक नंबर 2 की। अब हम देखेंगे हमारे चार्जर को हमें यहाँ पर ऑन कर देना है। चार्जर ऑन कंडीशन में आपको आपके हेडफोन्स के साथ में उनको कनेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो वहाँ पर लाइट इंडिकेशन जल जाएगा। लाइट इंडिकेशन जलते से ही आपको आपके चार्जर को डिसकनेक्ट कर देना है। जब आप चार्जर डिसकनेक्ट कर दोगे तो इसका सॉफ्टवेयर जो स्टकअप हो गया था वो रिसेट हो जाएगा, और आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था पावर ऑन ना होने का, वो भी यहाँ पर दूर हो जाएगा दोस्तों। अगर फिर भी नहीं होता है दूर, तो आपको ये सेकंड स्टेप फॉलो करना है प्रॉपरली। उसके तुरंत बाद आपको फर्स्ट स्टेप को यहाँ पर फिर से रिपीट करना होगा, जिससे कि आपको दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए। यही नहीं दोस्तों, फिर भी अगर आपके प्रॉब्लम्स रह जाते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, मैं उनको दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सभी की हेल्प के लिए इस वीडियो को और चैनल को शेयर करना ना भूलिए। स्टे कनेक्टेड।